हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं निशा। आज मैं आप सबके साथ मैंगो पिकल्स की रेसिपी शेयर कर रही हूं। तो घर में इजली मैंगो पिकल्स कैसे तैयार करते हैं आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूं। तो अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए मैंगो पिकल्स बनाना स्टार्ट करते हैं। हमने ले लिया है 2 kg रॉ मैंगो। मैंगो को हमने अच्छे से वॉश कर लिया है और पानी भी इसका सुखा लिया है। 1 घंटे पहले ही मैंने इसे धुल के अच्छे से सुखा लिया था। तो हम एक एक मैंगो को उठाएंगे और छोटे छोटे पीसेस में कट करेंगे। ये जो सेंटर का हिस्सा होता है इसे हम कट करके बाहर कर देंगे और छोटे छोटे पीसेस में हम मैंगो को कट कर लेंगे। तो हमने सारे मैंगो को छोटे छोटे पीसेस में कट करके एक बड़े बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है। हम 2 बड़े चम्मच नमक डाल देते हैं। और 1 बड़ा चम्मच हम हल्दी पाउडर का डालेंगे। और मैंगो के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे हल्दी को और नमक को। आप देख सकते हैं हल्दी नमक मैंगो के साथ अच्छे से मिक्स हो चुका है। हम एक थाली लेते हैं, थाली के ऊपर हम एक टोकरी रखेंगे। टोकरी में हम सारे मैंगो को ट्रांसफ़र करेंगे और थाली से ढक देंगे, ऊपर से भी ढक देंगे। और रात भर के लिए हम इसे रेस्ट पे रखेंगे लगभग 10 से 12 घंटे के लिए। तो ये मैं मॉर्निंग में इसे ओपन कर रही हूँ लगभग 12 घंटे के बाद। तो जो हमने मैंगो की टोकरी के नीचे थाली लगाया था उस थाली में आप देख सकते हैं कितना सारा पानी निकला हुआ है। हमने मैंगो में हल्दी और नमक डाल के रखा था ना, बस इस वजह से ही ये एक्स्ट्रा पानी निकला हुआ है। इस पानी को हम साइड में रखेंगे और सारे मैंगो को धूप में हम 2 घंटे के लिए फैला देंगे। तो बस मैंगो पीसेस को फैलाते वक्त बस एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि सारे पीसेस को हमें सीधा रखना है, ग्रीन पार्ट को नीचे रखेंगे। अगर ग्रीन पार्ट को हम ऊपर कर देंगे तो मैंगो का कलर चेंज हो जाएगा धूप की वजह से। 2 घंटे हो चुके हैं, हम अचार बनाना स्टार्ट करते हैं। हम ले लेते हैं एक पैन। पैन में हम 2 कप मस्टर्ड ऑयल लेंगे, ऑयल को गर्म करेंगे और गर्म ऑयल में हम 1/2 टेबल स्पून हींग डाल देंगे। गैस को ऑफ कर देंगे और ऑयल को ठंडा होने देते हैं। हम ले लेते हैं 1 कप लहसुन। लहसुन की कलियां हमने अच्छे से छील के ले लिया है। और अदरक कूटने वाला लेंगे और उसमें हम अच्छे से तोड़ लेंगे। हमें लहसुन का फाइन पेस्ट नहीं तैयार करना है, हमें कूटे हुए लहसुन का यूज़ करना है अचार के लिए। तो सारे लहसुन को हम एक बाउल में ट्रांसफ़र करते हैं और साइड में रखते हैं। तो 2 घंटे के बाद हमने धूप से सारे मैंगो को एक बड़े बर्तन में ट्रांसफ़र कर लिया है। अचार बनाने के लिए हम कुछ मसाले तैयार कर लेते हैं। 1 टेबल स्पून हमने कलौंजी ले लिया है। 1 टेबल स्पून हमने काली मिर्च ले लिया है। 2 टेबल स्पून हमने धनिया सीड्स लिया है। 1/2 कप हमने सौंफ ले लिया है। 1 कप हमने मस्टर्ड सीड्स ले लिया है। और 1 टेबल स्पून हमने जीरा लिया है। 1 टेबल स्पून हमने मेथी के दाने ले लिए हैं। तो जो हमने 1 कप मस्टर्ड सीड्स लिया था उसे हम अच्छे से ग्राइंड करके एक बाउल में ट्रांसफ़र करके रख लेंगे। और कलौंजी को हम अलग रखेंगे, कलौंजी को हम फ्राई नहीं करेंगे। बाकी के सारे मसाले हम अच्छे से 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे और ग्राइंड कर लेते हैं सारे मसालों को। फ्राई करने के बाद आप देख सकते हैं हमने सारे मसालों को थोड़ा सा दरदरा ही ग्राइंड किया है, बिल्कुल फाइन पाउडर नहीं तैयार करेंगे मसाले का। तो अचार का मसाला हमारा तैयार हो चुका है। हम मैंगो ले लेते हैं। मैंगो में हम 2 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च डाल देते हैं। ग्राइंड किया हुआ अचार का मसाला डाल देंगे। ग्राइंड किया हुआ मस्टर्ड सीड्स डाल देंगे। कलौंजी डाल देते हैं। लहसुन डाल देते हैं। वन टेबल स्पून ब्लैक सॉल्ट डाल देते हैं। 1 टेबल स्पून वाइट सॉल्ट डाल देते हैं। बस नमक
का यूज़ हम इतना ही करेंगे क्योंकि पहले भी हमने हल्दी और नमक का यूज़ किया हुआ है। तो जो हमने ऑयल और हींग को गर्म करके रखा था, हमारा ऑयल ठंडा हो चुका है। हम थोड़ा थोड़ा ऑयल अचार में डालेंगे और मिक्स करेंगे अचार को। अचार को हम स्पून से ही मिक्स करेंगे, बिल्कुल भी हाथों का यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि हाथ हमारे अक्सर गीले हो जाते हैं। अचार में पानी बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, नहीं तो अचार ख़राब हो जाता है। और हम अचार में बिल्कुल भी विनेगर या किसी भी प्रकार के सिरके का यूज़ नहीं करेंगे। तो अचार हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। हम कांच का जार लेते हैं, जार में हम थोड़ा सा नीचे पहले ऑयल डाल देंगे और अचार को ट्रांसफ़र करेंगे जार में। हमेशा हमें अचार को कांच के जार में ही स्टोर करके रखना चाहिए, और जब हम अचार को जार में ट्रांसफ़र कर लेते हैं तो ऊपर से ऑयल डालना बिल्कुल मत भूलिए। तो 4 से 5 टेबलस्पून ऑयल डालते हैं। जो ऑयल हमने गर्म करके ठंडा किया था, हमने उसी ऑयल का यूज़ किया है। ऑयल डालने के बाद हम ढक्कन लगा देंगे। तो इसी तरीके से हम सारे अचार को स्टोर कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारा आम का अचार बनके बिल्कुल तैयार हो चुका है फ्रेंड्स। बहुत ही टेस्टी अचार हमारा बनके तैयार हुआ है। एक बार आप भी ज़रूर ट्राई करें। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।